अवंग बिहार स्टार टीवी से रिपोर्टर मोहम्मद महफूज उर्फ मुन्ना। इस वक्त हम है मोरकी पंचायत में और परसा गांव में। हमने शुरू से अच्छा बेजाय सबका ट्रीटमेंट करते आए, इलाज करते आए हैं। तो आज हमने आज से सर्वे चालू कर दिए एक डीलर के ऊपर और राशन के ऊपर, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो जी का दावा है कि बिहार में सबसे नंबर वन विकास है। तो यही 2 साल पहले लॉकडाउन लगाया गया था, तो कुछ मतलब डीलर को जो है ना राशन फ्री में बंटवा रहे हैं, मतलब फ्री भी और पैसा से भी बंटवा रहे हैं, और राशन दे के पब्लिक को सनका दिए हुए, मतलब राशन खा के पब्लिक सनक गए हुए हैं। जहाँ हम जो चीज़ देखते हैं वो चीज़ हम बताते हैं। तो आए हैं एक यहाँ जो परसा में है डीलर साहब है, जरा डीलर साहब से बात करेंगे। और आठ नंबर वार्ड है। तो हमने आज से सर्वे चालू कर दिए हैं डीलर के ऊपर। कुछ लोगों का कहना है कि डीलर के ऊपर सर्वे चालू नहीं करते, डीलर घोटाला मारते। तो सही में परसा में यहाँ जो है 8 नंबर वार्ड में सही में डीलर घोटाला मार रहे हैं कि क्या है नहीं है, क्या उसका स्टॉक है। और एक चीज हम देख रहे हैं कि हर डीलर के पास 10-10 आदमी, 20-20 आदमी, 50-50 आदमी दो घंटा लगा के बैठे रहते हैं। पहले राशन वितरण होता था ऑफलाइन, जो अपना कार्ड लेके जाते थे और राशन लेते थे और भागते थे। लेकिन अब तो हमारे मोदी जी के सरकार में और बिहार नीतीश कुमार के सरकार में डिजिटल इंडिया, मतलब ऑनलाइन, मतलब सब चीज ऑनलाइन दिखलाइए। तो ऑनलाइन तो सुविधा ठीक है, लेकिन वही है कि नेटवर्क के कमी से, सर्वर के कमी से लोग को घर द्वार छोड़ के और यहाँ 2-4 घंटा बैठे रहते हैं। तो आइए हमारे कैमरामैन अंदर जगह चलते हैं। आइए अंदर आइए, क्या नाम है आपका? चलिए पहले हम बताएंगे यहाँ पे जो डीलर साहब है बैठे हुए हैं, ये अपना क्या कर रहे नहीं कर रहे जरा बताएंगे। हाँ सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद। अरे ये खोलिए ना जाबी, लॉकडाउन तो खत्म हो गया था, जाबी काला लगाए हुए हैं। तो मोहम्मद अल्ता, तो सर आपके पास लाइसेंस है पूरा एकदम भुट्टो पामर, मतलब कोई इसमें फर्जी नहीं है? तो सर एक चीज हम आपसे पूछेंगे, जो अभी लेडीज सबको जो बैठा के रखे हुए हैं 2-2 घंटा, हर जगह पे हम जाते हैं 2-2 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा बैठे रहते हैं, और अफवाह भी रहता है कि ओ सर्वर नहीं, औंठा नहीं लग रहा है, क्या कारण? अभी आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे सर्वर नहीं, आपको हम चेक करवा देते हैं। जी जी, एक मिनट दीजिएगा। तो यही कहेंगे हम अपने बिहार सरकार से कि जो पहले ऑफलाइन जो राशन बटाता था वही ऑफलाइन चालू कीजिए। सर्वर नहीं, आइए इधर आइए, कैमरामैन दिखलाइए। देखिए ये कंप्यूटर में नेटवर्क का एरर लिख रहा है, सही बात है, देखिए सर्वर का और नेटवर्क का कमजोरी है। लेकिन यहाँ के सरकार को और एमओ साहब को, मतलब जो एमओ साहब ऑफिस में बैठते हैं वो विजिट नहीं करते हर डीलर के पास। अरे विजिट करना चाहिए, कहाँ क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, उसका सपोर्ट करना चाहिए, भरपाई करना चाहिए। तो एक चीज है, तो सर्वर आने में कितना देर लगता है? सर अभी सुबह से लगभग 3 पर्ची कटा हुआ है, सुबह से ये लाभुक सब यहाँ पे बैठे हुए हैं। अच्छा, सुबह से। अच्छा जी। और ये सब अभी जमा हुआ है, कितना होगा? 50-25 होगा जी। देखिए ये हम अंदाज लग रहा है कि 50 गो ये होगा कॉपी, और ये 20-25 आदमी बैठे हुए अपना घर द्वार छोड़ के, खाना पीना छोड़ के एक राशन लेने, मतलब 5 किलो राशन लेने और फ्री वाला राशन लेने। अच्छा अच्छा सर, अभी कौन महीना का बांट रहे हैं? महीना जी जुलाई मंथ का राशन। ठीक है, तो अभी कै गो कर दिए हैं? ये 4 आदमी अभी अनाज ले गया इस मंथ का। अच्छा, सुबह से आदमी सब आया था बोला, लेकिन नहीं सर्वर की वजह से सब वापस चला गया। अच्छा, इसी के लिए हम पहले फिंगर ट्रांजेक्शन कार्ड। अच्छा, पहले राशन देते हैं कि फिंगर लगवाते हैं? सर प्रति मंथ में पहले दे देते थे, लेकिन इस मंथ में है ना तो सर्वर का प्रॉब्लम है, इसी के लिए जी जी कार्ड को ट्रांजेक्शन करके राशन बाद में उपलब्ध करा देते हैं। यहाँ पे पूछ लीजिए पब्लिक लोग, मतलब ये ना है कि फिंगर लगा दिए और राशन को घर में रख लिए? जी नहीं, ये बात नहीं, ये नहीं है। और कितना राशन आप देते हैं? फ्री वाला कितना देते हैं, पैसा वाला एक आदमी को कितना देते हैं? प्रति यूनिट तो 5, अभी तो 9 केजी चावल है, 1 केजी गेहूं है। इससे पहले था 4 केजी गेहूं था, 6 केजी चावल था। अच्छा अच्छा, इस मंथ से जो है ना 1 केजी गेहूं है
9 केजी चावल है। तो फ्री वाला भी कितना देते हैं दोनों मिला के? फ्री वाला 5 केजी चावल, हाँ, और पैसा वाला 5 केजी चावल 1 केजी गेहूँ। अच्छा अच्छा, मतलब 6 किलो एक आदमी पे। जी, एक आदमी पे पैसा वाला हो गया 5 केजी, हाँ, 4 केजी चावल 1 केजी गेहूँ, और फ्री वाला हो गया 5 केजी गेहूँ, मतलब 10 किलो एक आदमी पे मिला के देते हैं। और यदि कुछ लोगों का कहना है कि जैसे हम 10 आदमी हैं तो 5 आदमी का मिलता है, 5 आदमी का नहीं मिलता, ऐसा क्या कारण कि उसका नाम ही नहीं है? नाम है, सुनिए ना, ऐसा कोई शिकायत नहीं, यहाँ पे सब है, पूछ लीजिए, ऐसा कोई शिकायत। चलिए ठीक है।